पेशावर के पास बाचा खान एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ सुरक्षा भी काफ़ी अच्छी रहती है। आतंकियों को भी इस बात का अंदाजा था, इसलिए आतंकी पीछे के रास्ते से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। सबसे पहले आतंकी सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने निशाना बनाया। इस चश्मदीद गार्ड के मुताबिक उसने आतंकियों को मुकाबला करते हुए 8-9 फायर किए, लेकिन बाद में वो आतंकियों की गोली से जख्मी हो गए। गोली लगी आपको? जी, दो गोली लगी है, एक पेट में लगी है, एक हाथ में लगी है। तो आप कहाँ पर थे जब ये वाकया पेश आया? और मेन गेट पे था, जैसे फायर हुआ तो हम अंदर यूनिवर्सिटी में गए हॉस्टलों से, मतलब स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए। जैसे हॉस्टल, एक छोटा हॉस्टल से मैं बाहर निकला और पार्किंग के साइड पे जा रहा था तो स्ट्रीट फायर आई थी और मैं बीच में लग गया उसमें। अच्छा, और भी उस वक्त वहाँ पे तलबा मौजूद थे, क्या हाल तादाद में? काफ़ी तादाद में स्टूडेंट मौजूद थे, कुछ कमरों में अंदर रह गए और कुछ जो है ना जो बाहर घूम रहे थे वो वापस आ गए, वो गेट मेन गेट पर निकल आए। अच्छा, आप वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के फ्लाइट सर अंजाम दे रहे थे, मुझे ये बताइएगा कि आपके अपने पास भी वेपन्स वगैरह मौजूद थे? जी, मेरे पास अपना वेपन्स था, मैंने कुछ 8-9 फायर भी किए और फिर जब मेरे हाथ पे गोली लगी तो मेरे से गन मैंने नीचे गिर गया, मैं भी गिर गई और गन भी गिर गया।